स्पेसएक्स, चार आम लोग, 3 दिन अंतरिक्ष में गुजारने के बाद वापस लौटे, जाने कितना आया खर्च। स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू अंतरिक्ष की सैर कर धरती पर लौट आया है। यह दुनिया का पहला स्पेस मिशन था जिसमें नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष भेजा गया था। स्पेसएक्स ने इस मिशन को इंस्पिरेशन 4 नाम दिया। इस मिशन के तहत 16 सितंबर 2021 को 4 यात्री ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले ये 4 यात्री प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स नहीं थे, बल्कि आम लोग थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि पूरी तरह से नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स का क्रू अंतरिक्ष की यात्रा पर गया था। इंस्पिरेशन 4 का क्रू फ्लोरिडा से रवाना हुआ था और 3 दिन बाद फ्लोरिडा में ही अटलांटिक सागर में स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे लैंड हुआ। दावा है कि चारों यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से 160 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारे। अंतरिक्ष जाने वाले इन यात्रियों में जेड आइकमैन, सीन प्रॉक्टर, हेली क्रिनेक्स और क्रिस सैम्ब्रोस की शामिल थे। इस पूरी यात्रा का खर्च जेड आइकमैन ने उठाया था। आइकमैन ई कॉमर्स कंपनी शिफ्ट 4 पेमेंट्स के CEO हैं। इस यात्रा पर कितना खर्च आया इस बारे में आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए आई जैकमैन ने एलन मस्क को $200 मिलियन की रकम चुकाई है। इंस्पिरेशन 4 के क्रू मेंबर्स का इस अंतरिक्ष यान को उड़ाने में कोई रोल नहीं है, इसे जमीन से ही ऑपरेट किया गया था। इस यात्रा ने स्पेस टूरिज्म के रास्ते खोल दिए हैं। अंतरिक्ष में सैर करने की इंसान की चाहत बहुत पुरानी है। इस व्यवहारिक रूप से संभव और सुगम बनाने का यह प्रयास सफल रहा। हमें उम्मीद है कि यह सफल प्रयास भविष्य में भी इसी तरह इंसान के सपने साकार करता रहेगा। धन्यवाद।